हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम शिमला में हैं और शिमला भ्रमण कर रहे हैं इस समय। तो जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड्स में भी बताया था, जो शिमला जैसे सेवन हिल्स का एक संगम है यहाँ पर। सो मैंने आपको पहले काफ़ी सारे ऐसे लोकेशंस बताए थे, जैसे हम गए थे जाकू हिल, जैसे हम गए थे एक प्रोस्पेक्ट हिल, तो वहाँ पर हमने कामना देवी जी को नमन किया था। तो जैसे आज हम लोग एक और हिल विज़िट करने जा रहे हैं, तो जैसे एक दो और हिल्स है, जैसे इनवरम हिल कहते हैं और ऑब्जर्वेटरी हिल। सो ये दोनों हिल्स हम एक साथ में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही लोकेशन पर है ये दोनों, तो साथ में कवर करेंगे जब हम उस एरिया में शेयर करेंगे। और आज हम लोग एक्चुअली एक और जगह जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज़ बैंटनी हिल। तो बैंटनी हिल जो नज़दीक में ही है यहाँ से, शिमला से, तो अराउंड इट्स अ वॉकेबल डिस्टेंस, अराउंड 10 to 15 minutes वॉक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ लोकेशन, बैंटनी हिल। सो दोस्तों, ये जो बैंटनी हिल है, यहाँ पे जैसे दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिसके लिए काफ़ी सारे लोग विज़िट करते हैं। यहाँ पर एक बैंटनी कैसल है जो 125 ईयर्स ओल्ड कैसल है, और जो महाराजा ऑफ सिरमौर थे उनका एक समर रेजिडेंस हुआ करता था ये बैंटनी कैसल। बट दोस्तों, हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं एक काली बारी मंदिर कहते हैं, जो माता काली को समर्पित है ये। तो हम लोग वो मंदिर विज़िट करने जा रहे हैं इन बैंटनी हिल। तो एक्चुअली दोस्तों, ऐसे है कि ये जो मंदिर है, ये ऐसे मानते हैं कि अराउंड काफ़ी सारे, आई मीन अराउंड 1845 के करीब यहाँ पर एक सज्जन आए थे उस ज़माने में, जिनको कहते हैं रामचरण ब्रह्मचारी कहते हैं, जो एक विद्वान थे हिंदुइज़्म में, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो जैसे वे आए थे कोलकाता से, तो कोलकाता में जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर कहते हैं, तो वो उस मंदिर से ये काफ़ी रिजेंबल करते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि ये उसका टाइप कास्ट है, वो इसका टाइप कास्ट है। तो इस तरह से बना हुआ ये मंदिर, ये भव्य मंदिर मैं आपको दिखाऊँगा। सो दोस्तों, कहते हैं ये माता काली के जो उग्र रूप है, जिनका नाम है माता श्यामला, ऐसे माता श्यामला को ये मंदिर समर्पित है। और जैसे आपको लिंक मिल रहा होगा भाई, जैसे माता श्यामला या उनके नाम से ही इस शहर को अपना नाम मिला है, दैट इज़ शिमला। सो दोस्तों, ये जो हिल है, यहाँ से आपको एनेडेल वगैरह दिख जाता है, एंड वन ऑफ द प्राइम हिल्स है ये, जहाँ से आपको व्यू, बहुत सुंदर व्यू है। और हाँ, मैं आपको एक एक्चुअली बात बताना भूल गया था, जो ये मंदिर को जो रामचरण जी ने स्थापित किया था, ये जाकू की तरफ किया था, जो जाकू हिल है उस तरफ किया था, और फिर ब्रिटिशर्स ने उसको जाकू हिल से लेकर के बैंटनी हिल में शिफ्ट किया था इन्होंने। तो यही सब आपको दिखाने ले, एक्चुअली ये मंदिर दिखाने ले जा रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, फिर इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देवी को नमन करते हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये है एक्चुअली स्कैंडल पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, ये है एक्चुअली द संगम है। सो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो YWCA, इस रूट से आपको सीधे चलना है, एकदम सीधा रास्ता है, और ये आगे जा कर के आपको यही मंदिर दिखना शुरू होगा। चलिए। सो दोस्तों, इस समय सनसेट हो रहा है, तो इस समय तो हम यहाँ से सीधे जाने वाले टूवर्ड्स द मंदिर। सो दोस्तों, दिस इज़ द रूट टूवर्ड्स कालीबाड़ी मंदिर। जैसे मुंबई में हम जैसे खाऊ गली जानते हैं, जहाँ पे दुनिया भर के आपको खाने के पदार्थ मिल जाते हैं, उस तरह से कुछ इन्होंने यहाँ पे अलाइन कर रखा है। अब देखिए, दुनिया भर की चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे मोमोस मिल जाएंगे आपको, गोलगप्पे या पानी पूरी, वैसे काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो इवनिंग में।
तो दोस्तों आपने देखा सामग्री जो पूजा की सामग्री है वो मंदिर के ठीक बाहर आपको मिल जाती है। जो मंदिर आप देख रहे हो सामने यही है कालीबाड़ी मंदिर, जो आप जो ओम जो देख रहे हो यही है। और सामने सामग्री की भी काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है। और यदि आप गौर से देखो तो ये कलकत्ते का दक्षिणेश्वर मंदिर को रिजेंबल करता है। तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, अब इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेन एंट्री और एंट्री पर लगा हुआ है इनका जूता घर। और देखिए ये है वो मंदिर, ये काफ़ी भव्य मंदिर है और माता सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है। तो पहले जूता जमा कर लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। सो दोस्तों ये है मंदिर जो आप देख पा रहे हो, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ है जो देवी, जैसे मैंने आपको बताया, देवी श्यामला को समर्पित है ये। और अब हम इस मंदिर के अंदर चलेंगे। तो मैं ये नहीं, मुझे पता नहीं यह फ़ोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं, नहीं अलाउड होगा तो आपको बाहर के परिसर का एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा मैं। अब चलिए अंदर चलते हैं। सो दोस्तों हमारे साथ है आदरणीय पंडित जी। सो पंडित जी आप जरा इस मंदिर की कुछ महत्वता आप बता सकते हो? हाँ जी, 1823 में स्थापित हुआ रामचरण ब्रह्मचारी जी स्थापित करा जी। माँ आपका जो राइट साइड में है माँ का मूर्ति जी जी, उसका नाम है श्यामला माता जी। श्यामला माता से शिमला नगरी नाम हुआ जी। और बाँ साइड में मंगल चंडी है, मंगल चंडी है जी जी, ये मंगल का ज़्यादा रास होता है जी। और ये बहुत पुराना मूर्ति है जी, पहले इंग्रेज का टाइम ये दोनों मूर्ति था जी, एक श्यामला माता एक मंगल चंडी जी। उस टाइम इंग्रेज ये मूर्ति बाहर में डाकू पार्बल ने फेंक दिया जी, उसके बाद उसका स्वप्न दिया जी, उसका शोल्डर सारा नियत हो गया जी, फिर उसको लेके प्रतिष्ठा करा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और आपने हमें समय दिया और आपका आशीर्वाद सदा हमारे पर हम पर बना रहे इसी उम्मीद से। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने पंडित जी की बात सुनी, ये बहुत ही दिव्य मंदिर है दोस्तों, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और माता इन सभी के मन्नत पूरी करती हैं। तो आपको मैं अब इस परिसर का एक राउंड दिखा रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया यहाँ से व्यू है ये, जो जिसे ओल्डन ज़माने में बैंटनी हिल कहते थे, अभी आप यहाँ से नज़ारा देखिए। एक्चुअली इसके फुटहिल पर एनाडेल है, बट वो तो अभी इस समय सनसेट हो गया है और आपको उस तरह का नज़ारा नहीं मिल पाएगा, बट मैं आपको ग्रॉसरी दिखा दूंगा। जैसे अभी इवन यहाँ पे ऐसा है ना शिमला में कि इवन जो लाइट्स में भी जो व्यू मिलता है दैट इज़ अनमैच दोस्तों। अभी ये कैमरा घुमा के आपको ये पूरा परिसर और यहाँ के जो व्यूज़ है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों ये है कालीबाड़ी मंदिर जो आपको इस समय दिखा रहा हूँ मैं बाहर से। तो जैसे इसके थ्री जो पाथ्स है आपको एंट्री के लिए, और यहाँ पर एक और इनका मंदिर है दोस्तों, बहुत ही दिव्य मंदिर है ये। और ये परिसर भी आप देख लीजिए यहाँ का, कितना सुंदर लगता है इन्होंने बनाया हुआ है ये परिसर। और आपको अभी यहाँ से मैं व्यूज़ दिखा रहा हूँ, अब चलिए यहाँ से एक आध दो आपको व्यूज़ भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। सो ये देखिए दोस्तों, इस समय ट्वाइलाइट है एंड ट्वाइलाइट में जो व्यूज़ है दैट इज़ नथिंग लाइक इट। सामने आप देख पा रहे हो दैट इज़ द इनवरम हिल कहते हैं उसे, जहाँ पर टीवी टावर स्थित है। और दिस इज़ वन साइड ऑफ द व्यू, मैं आपको दूसरी ओर भी इसका एक व्यू दिखाने वाला हूँ जो एक्चुअल शिमला आप देख पाओगे इन अंडर लाइट्स। सो ये देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर लग रहा है अंडर, ये जो अभी सनसेट हो गया है एंड जो ट्वाइलाइट है आपको यहाँ से मून भी नज़र आ रहा है। एंड ये देखिए कितना सुंदर है। अब यहाँ से मैं आपको शिमला दिखा रहा हूँ, शिमला अंडर लाइट्स, और ऊपर की ओर आप देख रहे हो दैट इज़ द हाईएस्ट हिल दैट इज़ जाकू हिल कहते हैं, जो मैं आपको पिछले किसी एपिसोड में दिखा चुका हूँ। और ये है जो आप देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिसने किसी ने मोतियाँ बिखेर दी है। तो
तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ शिमला एंड फ्रॉम सच लोकेशंस, जैसे आप बैंटनी हिल कहिए या तारा देवी से कहिए या जाकू हिल से कहिए, इस तरह के बहुत सारे आपको नज़ारे मिल जाते हैं। सो दोस्तों, यही था मैं एक छोटा सा वीडियो ऑफ द कालीबाड़ी मंदिर एंड द बैंटनी हिल। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे शिमला की ओर। सो दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो ऑफ द कालीबाड़ी मंदिर। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सब मेरे साथ जुड़िए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह के खूबसूरत से वीडियोस हम लोगों में पहुंचा सकें और काफ़ी सारे लोग यहाँ आ सकें और ऐसे इस तरह के भव्य मंदिर को विज़िट करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ फ्रॉम कालीबाड़ी मंदिर इन शिमला। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और माता आप सबकी मनोकामना पूरी करें। बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.